हेलो फ्रेंड, आपका दोस्त रंजन आरके बोस डीजल वर्क चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है कि अम्ब्रेला इंजन का जो कमिंस का पंप आता है, वो उसमें जो 786 नंबर का इंजेक्टर आता है, वो कमिंस का पंप है, उसको कैसे खोलना है और कैसा फिट करना है, वो तो पूरा डिटेल वीडियो में मिलेगा आपको। और क्या ख़राब होता है और कैसे असेंबल करना है, कैसे डिसेंबल करना है, तो पूरा डिटेल ये वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और क्या नंबर का मैटरिंग होने जाता है, क्या नंबर का रेल लगता है, क्या नंबर का पंप है, तो पूरा वीडियो जानकारी इसमें मिल जाएगा आपको। तो अभी देरी ना करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको अभी पूरा डिसमेंटल करेंगे माउंटिंग में पहले लगा लेने का, ठीक है। माउंटिंग में लगा के यहाँ पे 10 नंबर का 3 बोल्ट रहता है, खुल के सप्लाई पंप आपको खोलना है। खोलने के बाद ये देखिए क्रॉस इसका टूटा है, ज़्यादातर इसमें क्रॉस ही टूटता है। कमिंस का जो पंप है, अम्ब्रेला इंजन का कमिंस, अपना खुद का पंप लगाया, खुद का मैन्युफैक्चरर है कमिंस, एक क्रॉस टूट गया है। ये क्या, गाड़ी चलते चलते रनिंग में ही टूट जाता है। टूटने के बाद अगर ये ब्रोकन हो गया तो गाड़ी चालू नहीं होता, उसे स्टार्टिंग ट्रबल आ जाएगा। नहीं तो रनिंग में भी होता है कभी, अगर गाड़ी चालू नहीं हो रहा, आपको पंप का अगर इधर होल्डर से अगर डीजल नहीं आता तो आपको समझ जाने का कि पंप में कुछ गड़बड़ है, तो खोलना पड़ता है, इसका क्रॉस ही जाता। तो क्रॉस इसीलिए टूटता है क्योंकि वो प्लास्टिक वाला दे के रहता, प्लास्टिक वाला होने के कारण जल्दी टूट जाता। और इसमें 473 नंबर का मैटरिंग यूनिट है, ठीक है, 09284473। और इसको अभी दूसरा जो आता 608 में भी, पुराने मॉडल में 473 आता, अभी 689 कर दिया है, पार्ट नंबर चेंज किया है। तभी इसको सप्लाई पंप को खोलेंगे पूरा, उसका क्रॉस दिखाऊंगा मैं आपको, वो प्लास्टिक वाला है थोड़ा। बाकी पंप में कुछ भी फॉल्ट नहीं आता, सिर्फ प्लास्टिक होने के कारण टूट जाता है, ये प्रेशर प्लेट है, ठीक है। ये थोड़ा आप साइन पेपर मार के एमरी लगा के आपको इसको पॉलिश करके फिट करेंगे बाद में जब फिट करोगे, ठीक है। ये इधर उधर तो लगता नहीं फ्रेंड्स, वो पिन लेके अपने जगह में ही बैठता है, वो आप उल्टा सीधा ऐसा नहीं होता, अपने जगह में ही बैठेगा वो। ठीक है, और इसमें एक गियर वाला सप्लाई पंप आता है, गियर वाला फैन पंप मतलब बहुत मजबूत अच्छा बनाया, लेकिन एक चीज़ कमी रख दिए कमेंट्स वाले कि प्लास्टिक वाला क्रॉस देगी, नहीं तो इसमें तो शायद मेरे ख्याल से कंप्लेन आते ही नहीं। अगर वो प्लास्टिक वाला नहीं होता ना तो इतना टूटता नहीं, लेकिन वो प्लास्टिक वाला होने के कारण बहुत कंप्लेन आ रहा है, इसमें टूट जाता, थोड़ा सा भी लोड आया तो टूट जाता है। वो इतना कमज़ोर बनाया और इतना इसको रोटेशन शाफ्ट को और सप्लाई पंप को करना बहुत मुश्किल है, मतलब जल्दी जल्दी टूटते। जैसे अपना लीलैंड में 043 में कैम सब टूट रहा ना, इसमें कमेंट्स में ये टूट जाता है, ये देखिए टूटा है। और अभी वैन पंप खोलेंगे, JS जो लिखा है आपको दिख रहा होगा, JS कभी भी ऊपर ही रहेगा, अब उल्टा नहीं लगाने का, JS वाला ऊपर ही रहेगा। लाइट में दिखाता हूँ, देखिए JS लिखा है, छोटे में भी लिखा है, बड़े में ही लिखा है, दोनों कभी भी ऊपर ही रखना है। इसका ओरिंग है, ओरिंग निकल लेते पहले, ये थोड़ा पकड़ लिया क्योंकि टूट फूट हुआ ना, वो टूट होने से वो थोड़ा किसी से हुआ, अगर नहीं तो पूरा स्मूथली निकल जाता है, फ्रीली भी निकल जाता है, और कोई क्रॉस टूटा नहीं होगा अच्छा से बोला तो आप ऐसे ही निकल सकते, स्मूथ पूरा निकल सकते, उसको रिमूव हो जाता है। लेकिन इसका थोड़ा पकड़ लिया है, ये देखिए निकल गया है। ये JS कभी आप फिटिंग करते ना ऊपर रखना है, ओके। ये उसका सप्लाई पंप का हाउसिंग, बाकी इसके एक खुलेंगे, क्लोजिंग प्लग दोनों साइड है, ठीक है। एक साइड बॉल और स्प्रिंग है, एक साइड फिल्टर और एक स्प्रिंग है, तो खुल के आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर क्रॉस टूटा है तो आपको पूरा चिल्लर करके यार मार के पूरा क्लीन करके फिट करना है, आपको ऐसा नहीं कि हाँ बाकी चिल्लर काय को करना पड़ता, वो ऐसा नहीं है, पूरा क्लीन करके आपको फिट करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्रॉस का किस भी से अगर कोई होल में बारीकी भी जाके फंस गया तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आते हैं। 6 नंबर लेंगे, इसे खुलना है, इसको
ये देखिए ये फिल्टर है, ये इसमें एक फिल्टर रहता है, अरे स्प्रिंग है, अरे प्लग है, ऐसा रहता है, ऐसा फिट हो के रहता है। सीधा दिखा रहा हूँ आपको सेट करके, देखिए फिल्टर स्प्रिंग और प्लग, ठीक है, बाकी अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अरे इधर से डीजल जाता है, उधर से आउटलेट होके वहाँ पे लगता है, ऐसा एरर दे के रहता है, कोई कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। अभी दूसरे साइड का खोलेंगे, दूसरे साइड में एक बल्ब रहता है, एक स्प्रिंग रहता है, देखिए बॉल स्प्रिंग और प्लग, ठीक है, और बाद में इसको एयर मार के पूरा क्लीन करके फिट करना है, क्योंकि अगर क्लीन करके फिट नहीं करोगे, आप ऐसा भी मार दोगे फिट करोगे, कभी कभी आपको रिटर्न तो बराबर आता है, लेकिन सॉरी मेन तो बराबर आता है, रिटर्न आपका जैसे आपको कम से कम 400 तक होना रिटर्न, वो कम आता है, प्रॉपर रिटर्न नहीं आता, 150, 120, 130, 200, कभी कभी तो बिल्कुल कम आता है, तो कारण कि आपका कहीं सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए अच्छे से एयर मारना पड़ता। अरे डी आर बी मैटरिंग यूनिट है, मैटरिंग यूनिट को भी ये हिलाने से टक टक साउंड आता है, तो ओके है, अगर कभी कभी टक टक साउंड भी नहीं आता, अगर आपका मशीन पे ऑन ऑफ हो रहा है तो चल जाएगा, अगर गाड़ी में कोई एरर नहीं है उसका तो चलते हैं, लेकिन टॉक टॉक साउंड आ रहा तो परफेक्ट काम कर रहा, जाम नहीं है, लेकिन कभी कभी साउंड नहीं आता और ऑन ऑफ हो रहा भी तो चल जाते हो, मैं दिया हूँ ऐसे। स्क्रू पूरा नहीं खोलना है, दो स्क्रू थोड़ा खोल के ऊपर से उठाना है, नहीं तो स्प्रिंग का जो क्या हार्ड स्प्रिंग है ना, वो टेंशन से फेंक देगा आपको, एलिमेंट ही फेंक देगा। ये कंप्लीट एलिमेंट है, देखिए इसके अंदर टाइपेट असेंबली है, निकालेंगे उसके लिए बोल्ट निकालना पड़ता। ये देखिए मैं टाइपेट असेंबली निकल दिया हूँ, रिमूव निकल दिया, बाहर निकल दिया, इसका रूलर है, ये तो CB28 अम्ब्रेला इंजन, एक कमेंट से टाइपेट फूटने का कोई चांसेस ही नहीं है, ऑयल इतना प्रेशर से आता कि कोई ये नहीं है। फिर कोई हथौड़ी लेके रिमूव करके शाफ्ट, एक एम शाफ्ट बाहर आ गया है, अरे एंड प्लेट है, ऑयल सील के साथ रहता, ठीक है, इसमें ओरिंग और गैसकेट रहता है, हाउसिंग है, कंप्लीट सीलर हो चुका है हमारा। ठीक है, अभी इसको अच्छा से एयर मार के अच्छा से क्लीन करके उधर के फिट करेंगे। कभी अगर आप पूरा फिट करके अच्छा से धोधा के फिट किए और रिटर्न में प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा चिलर करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा चिलर करिए, फिर पूरा बारीकी से आप हवा मार के फिट कीजिए, फिर वो रिटर्न आ जाता बराबर। मेरे साथ एक दो बार हुआ है ऐसा, क्योंकि क्रश टूट जाता, क्रश डालने के बाद फिर फिट करके करता हूँ तो रिटर्न में मेरा मेन तो बराबर आ जाता है, रिटर्न में गड़बड़ करता है, तो दोबारा चिलर करके फिर से अच्छा से एयर मार के फिट किया हूँ तो हो गया था। मैनुअल टेस्टिंग का बोल रहा हूँ, ऐसे तो कोई सेटअप मेरे पास भी सेटअप कोई है नहीं, मैं भी मैनुअल देसी स्टाइल में ही करता हूँ, तो कोई कंप्लेन तो है आता नहीं, लेकिन मशीन पे ऐसा रिटर्न कभी कभी बहुत कम बताता है। अभी पूरा क्लीन हो गया, अभी फिट करना चालू करेंगे, ये बॉल डाल दिया हूँ मैं, पहले सप्लाई पंप ही कंप्लीट कर लेते, क्योंकि बाद में लगाने का ही रहता है, पहले सप्लाई पंप डाल देंगे असेंबल करके। ये बॉल और स्प्रिंग डाल दिया, इसको लगा देता हूँ, फिर दूसरे साइड फिल्टर और स्प्रिंग लगा देंगे, थोड़ा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ओरिंग में जो है ना वो कटने का चांसेस रहता है, तो थोड़ा ऑयल यूज कर सकते हैं आप, ऑयल और ग्रीस भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी दूसरे साइड और कंप्लेन भी गए ना, अगर इधर से तो डीजल सप्लाई बराबर आता है, आप गाड़ी के ऊपर होल्डर का पाइप खोल लेने का कि डीजल नहीं दे रहा, किक बहुत कम दे रहा है, तो डायरेक्ट आप पंप खोल सकते, क्योंकि इसका क्रॉस टूट गया होगा, क्योंकि रोटेशन होगा नहीं तो उधर तो सप्लाई देगा ही नहीं। ये अम्ब्रेला इंजन में आता है, ठीक है,
और इसका जो रेल है, रेल है 4384242 नंबर का रेल आता है। अरे पंप नंबर है 4359410 नंबर का पंप है। अरे इसमें जो इंजेक्टर आते हैं फ्रेंड, वो 786 नंबर का इंजेक्टर आता है। अरे 786 नंबर का इंजेक्टर कैसा फिट करना है वो मेरे चैनल में आपको जाके मिल जाएगा। और ये पंप भी कैसा देसी स्टाइल में मैनुअल टेस्टिंग कर सकते वो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए सप्लाई पंप जेएस में बहुत बताया था आपको ऊपर रखना है, पहले ऑयल वॉयल दे देंगे वो फिर पूरा स्मूथली जाता है, कोई इश्यू नहीं है, पूरा इतना आराम प्यार से चले जाएगा। और इसका नोजल और पंप टेस्टिंग वो आपको मेरे चैनल में जाके आपको मिल जाएगा। ये देखिए ऐसा रोटेशन होना चाहिए, पूरा प्यार से घूमना चाहिए, कोई लटकना नहीं, जाम नहीं होना। दूसरा वाला भी वो लिखा रहता है, जेएस लिखा रहता है ऊपर रहेगा। ओके, ये देखिए ऐसा रोटेशन होना चाहिए। बोरिंग लगा देंगे, बोरिंग में भी ऑयल लगा देंगे क्योंकि कटेगा नहीं। ये क्रश मेरा नया वाला क्रश है, देखिए पूरा प्लास्टिक का है और बहुत पतला नाजुक बनाया है, कमेंट्स वाले ने बहुत नाजुक बनाया है, तो उसके कारण से मेरा मतलब जो प्रेशर है इसका, जो रोटेशन का जो ताकत है वो सहन नहीं कर पा रहा करके टूट रहा है। लेकिन तुरंत तो नहीं टूटता, कुछ दिन चलने के बाद टूटने का चांसेस रहते हैं। ये प्रेशर प्लेट लगा देते हैं अभी, ठीक है। प्रेशर प्लेट वो इधर उधर तो होता नहीं, अपने जगह में ही रहेगा, ये थोड़ा आप घिसाई कर सकते हैं, कुछ अगर रफ आ गया, कुछ आ गया प्लेन ये हो गया ना, आप साइन पेपर मार के एमरी लगा के उसको घिस लेना है, ठीक है, प्लेन कर लेना है। ये देखिए घूम रहा है, बराबर है। अभी स्क्रूब लगा देंगे, इसके तीनों स्क्रूब लगा देते हैं, दो स्क्रूब लगा देंगे, ठीक है, सॉरी दो स्क्रूब लगा देते हैं। और इसको मंगन में लगा के पूरा टाइट मार देंगे, स्क्रूब टाइट मार देंगे, आज साइड के दोनों लिंक वाले स्क्रूब टाइट मार देंगे। ओके, तो हमारा कंप्लीट सप्लाई पंप अभी फिट हो चुका है। इसमें ज़्यादा लुचा रहता नहीं, सिर्फ क्रॉस का ही लफड़ा रहता है, और फिटिंग होने के बाद अगर डीजल प्रॉपर नहीं आया तो दोबारा चिल्लर करके अच्छा से क्लीन करके फिट कीजिए, वो आ जाएगा। पाँच नंबर लेके लगता, मैंने जो छः नंबर लगता पाँच नंबर लगा रहा था भाई, मिस्टेक। अभी दूसरे साइड भी टाइट मार देते हैं, अभी कैमशाफ्ट सप्लाई पंप कंप्लीट हो चुका है, अभी कैमशाफ्ट लगाएंगे। कैमशाफ्ट लगाने से पहले बेयरिंग, बेयरिंग आप देख लेंगे बराबर है क्या। BS4 का तो पंप बहुत आसान है, BS4 BS6 पंप फिट करने का कोई ज़्यादा लुचा नहीं रहा। इसका सिर्फ इंजेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, इंजेक्टर में ज़्यादा फल रहते हैं। इसमें एक ओरिंग भी दिया है, गैस्किट भी दिया है, ऑयल लीकेज ये नहीं होना करके ऑयल सील भी है, तो गैसकेट लगा लेने का, और ओरिंग भी है, और वो ये देखिए ऑयल सील भी है, ऑयल वॉयल डाल देंगे थोड़ा। ऑयल डालेंगे तो ओरिंग नहीं कटता, कटने का चांसेस बहुत कम है, आप ऐसे सूखा डालेंगे तो कट जाएगा,
डीजल लीकेज ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा, ये भी तो इसमें बराबर अपना जैसा पोजीशन है ऐसा ही रहेगा, अब उल्टा सीधा होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अभी सप्लाई पंप है वो बराबर बैठा नहीं, सप्लाई पंप जब डालेंगे ना वो एक साथ बराबर बैठ जाता है। ऑयल डाल देता हूँ, अब पंप आ रहा है आपके पास, तो सबसे पहले आप हैंड पंप सिर्फ सप्लाई पंप खोल के देख लीजिए, हैंड पंप खोल के देख लीजिए क्रॉस टूटा है कि नहीं। अगर अब जैसे कस्टमर बोलता नहीं मेरा चल रहा था कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी आप एक बार सप्लाई पंप खोल के देखना ज़रूरी है। ठीक है, CB18 का जो 043 लीलैंड का जो पंप आता है उसमें तो कुछ फॉल्ट गाड़ी में नहीं रहता, फिर भी लेकिन कैमशाफ्ट टूटा हुआ मिल जाता है कभी कभी। कस्टमर बोलता है मेरा कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा क्रैक मार देता है वहाँ से। कभी भी आप मशीन पे लगाने के पहले सप्लाई पंप खोल के ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पानी भी आ जाता है, गाड़ी तो चलते लेकिन पानी आ जाता है। फिर बाद में बनाने के बाद कस्टमर बोलते आ रहे यार मेरा पहले फॉल नहीं था अभी चालू हो गया, पंप खुला तो प्रॉब्लम आ गया है, ऐसा बोलते तो ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए आपके तरफ से आप पूरा क्लियर होके देना चाहिए। 10 नंबर के बोल्ट पूरा तीनों टाइट मार देते अपना बैठ जाएगा, और पहले शाफ्ट डालने के बाद वैन पंप डालना है, उसके बाद एलिमेंट असेंबली लगाना है, ये ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो शाफ्ट फ्री होना चाहिए, और पहले आप एलिमेंट डाल देंगे इधर वैन पंप लगाएंगे तो वैन पंप फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, कभी कभी फंसने का चांसेस रहता है। ठीक है, अभी फ्री घूम रहा, फ्री रोटेशन हो रहा पूरा स्मूथली, तो अभी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पहले वैन पंप अगर पहले एलिमेंट डाल के बाद में वैन पंप कोई भी CB18 का 28 का ऐसा नहीं करें, CB18 में तो खास करके बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले वैन पंप पहले साफ वैन पंप बाद में एलिमेंट असेंबली लगाइए, क्योंकि वैन पंप अगर जाम है फ्री है वो समझ में नहीं आता। ये पोजीशन देख के बोल्ट के लाइन पे टाइपेड असेंबली जाएगा, क्योंकि एक बार हमारे वर्कशॉप में एक लड़का ने मतलब पहले सप्लाई पंप नहीं पहले वो एलिमेंट असेंबली डाल दिया बाद में सप्लाई पंप लगाए, तो उनको पता नहीं चला कि सप्लाई पंप अच्छा है कि क्या है, वो मशीन पे घुमा दिए, घुमाने के बाद वो सप्लाई पंप पूरा घिस गया है तो ख़राब हो गया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उनको मालूम भी था कि पहले सप्लाई पंप डालते, लेकिन फिटिंग में कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान से सप्लाई पंप पहले लगा के आगे पहले चेक कर लीजिए फ्री है कि क्या है, जाम हो रहा है कि क्या नहीं, क्योंकि उसका शाफ्ट टूटा था, शाफ्ट टूटने के कारण से वो बॉडी में थोड़ा माड़ आ गया था, माड़ आने से वैन पंप जाम हो रहा था, तो समझ में नहीं आया, एलिमेंट असेंबली पहले डाल दोगे तो समझ में नहीं आता। इसमें नंबर रहता है, नंबर प्रॉपर ही आ नहीं रहा, यहाँ पे नंबर रहता है एलिमेंट का, तो उसके साफ टूटने के कारण वो वैन पंप वो पकड़ लिया, वो घिस गया पूरा, वैन पंप खराब हो गया, उसका प्रेशर प्लेट खराब हो गए थे, तो इसीलिए आप ऐसा गलती ना होना करके आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा डीजल डाल के थोड़ा ऐसा प्रेस करेंगे तो हल्का हल्का निकलेगा और वैक्यूम जैसा बनाएगा, पूरा डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो वैक्यूम बनाएगा। ओके, तो एलिमेंट हमारा ओके है, जैसा फ्री हो जाता था आप होल्डर्स खोल के आप वहाँ से चेक कर सकते अंदर का, लेकिन ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसा स्प्रिंग डाल के हल्का घुमा देंगे ना वो स्प्रिंग लॉक हो जाता। ठीक है, अरे देखिए आगे पीछे हो रहा है, कैसा ऐसा होना चाहिए। ऑयल डाल देता हूँ, ऑयल डाल के लगा देंगे इसको, बाकी कोई इसमें लॉक वॉक नहीं रहता, डायरेक्ट जाता है। ठीक है, एक साइड ब्लैक है, एक साइड स्टील वाला है, स्टील वाला वो टाइपेड के तरफ टाइपेड के ऊपर जाएगा, ब्लैक वाला अंदर जाएगा,
एलिमेंट असेंबली चैम्बर में। देखिए फिट हो गया है कमेंट्स पंप, कितना आसान है ना फिटिंग करने का। फिटिंग करने का भी आसान है, चेक करने का भी बहुत आसान है। दोनों साइड मतलब बराबर टाइट मार के लेना है, वन साइड टाइट नहीं मारना है। टूरिंग में ऑयल लगाएंगे, कमेंट्स वाला अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया, खुद का पंप लगाया, ना बॉश का, ना डेल्फी, डेंसो, कंटिनेंटल, कोई ऐसा उनके साथ डील नहीं किया, अपना ही प्रोडक्ट अपने गाड़ी में लगाए। डीआरबी जो है 473 है, बॉश का डीआरबी है ये। 608 नंबर में भी आता पुराने मॉडल 608 में, लेकिन नया मॉडल 608 में तो 689 का मैट्रिंग यूनिट आता। पुराने पहले फर्स्ट पहले पहले के जो पंप है 12, 13, 14 के, 11 के, उसमें 473 ही निकलता है। इन फंक्शन दोनों का सेम है। ये टक टक साउंड मार रहा है, अभी ऑयल लगा के इसको लगा देते, टाइट मार देंगे। डीआरबी का काम है वो डीजल को रेगुलेट करना, मीटरिंग यूनिट का मतलब कब कितना प्रेशर से देना है, आइडल में क्या देना है, मैक्सिमम में क्या देना है, स्लो में क्या देना है डेल डीजल, वो ऐसा उसका काम करते हैं। स्टार्टिंग में क्या देना है इसके ऊपर है, डीआरबी के ऊपर। और प्रेशर सेंसर का मतलब रेल के अंदर कितना प्रेशर चल रहा है, ये तो प्रेशर दे दिए लेकिन वहाँ पे कितना आ रहा है, कितना चल रहा है वो बताते। रेल का जो टेम्परेचर, डीजल का टेम्परेचर भी बताते हो प्रेशर सेंसर। देखिए पूरा कंप्लीट है, हमारा पंप अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी मशीन पे लगाएंगे। और मशीन पे कैसे चेक करना है वो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका इंजेक्टर भी कैसे रिपेयर होता है, कैसा फिटिंग होता है, डोमिनेशन के साथ टॉर्क क्या रहता है, वो भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। ओके ओके फ्रेंड्स, फाइनल हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। जो भाई लोग अगर नया है मेरे चैनल में, नया वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।